तो फ्रेंड्स आज बनाते हैं रवे का कतली वाला हलवा, जो ज़्यादातर लोगों का फेवरेट है। तो देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इफ़ यू लाइक माय रेसिपी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1/2 kg रवा, जिसे हम सूजी भी कहते हैं, 400 ग्राम शुगर, 10 से 12 बारीक कटा बादाम, 10 से 12 बारीक कटा काजू, तकरीबन 3 चम्मच घी, 3 लौंग और 2 हरी इलायची। तो चलिए दोस्तों इसे अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने एक पतीली ले ली है, इसमें हम 2 ग्लास पानी डाल लेंगे क्योंकि हमें इसकी चाशनी रेडी करनी है। ये देखिए हमने 2 ग्लास पानी डाल लिया है। अब इसमें शक्कर ऐड कर लेते हैं और इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे हाई फ्लेम पे ही, ताकि चाशनी हमारी अच्छे से रेडी हो जाए। इसे अच्छे से स्टर कर लें और इसमें बॉईल आने दें। ये देखिए हमारी चाशनी में अभी बॉईल आने लग गया है, लेकिन अभी ये रेडी नहीं हुई है, इसे हमें थोड़ा सा और पकाना है। अब हम हमारे रवा को थोड़ा सा भून लेंगे। उसके लिए हमने जो घी लिया था उसे हम पैन में डाल लेंगे। ये थोड़ा गर्म हो जाए तो हम हमारे क्लोव्स और ग्रीन कार्डमम डाल देंगे इसमें। इलायची थोड़ा भूनने के बाद इसमें खुशबू आने लगेगी। अब हम इसमें सारा रवा डाल लेंगे। अब हम इसे कंटिन्यूसली भून लेंगे दोस्तों, जब तक इसमें लाइट ब्राउन कलर ना आ जाए। जितना अच्छा हम इसे भूनेंगे उतना अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे हलवे का। दोस्तों मीठा तो सभी को पसंद होता है और हमारे त्यौहार तो मीठे के बिना बिल्कुल अधूरे होते हैं। तो इस फेस्टिव सीज़न इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए रवा बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, लेकिन हमें इसे थोड़ा सा और भूनना है, थोड़ा इसका और कलर डार्क होगा। जितनी अच्छे से हम रवा को भूनेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी हमारा हलवा बनके रेडी होगा। तो चलें दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि हमारी चाशनी का क्या हाल है। ये देखिए ये ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखिए इसमें तारे दिखाई दे रही हैं। चाशनी को और रवा को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह, इसे थोड़ा जल्दी जल्दी हम मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना आए, क्योंकि एक बार लम्स आ गया तो फिर उसे मिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। बस 2 मिनट और पकने दें फिर हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए पहले हम हमारी प्लेट को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, उसके बाद हम इसे उसमें पॉर कर देंगे। हमें एक फ्लैट सरफेस वाला प्लेट लेना है फ्रेंड्स, जिससे हमें हलवा को फैलाने में आसानी हो। अब हम इसकी टॉपिंग कर लेते हैं दोस्तों। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप उनको उसके ऊपर डाल सकते हैं। यहाँ मैंने काजू और बादाम लिया है, जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया था। बस इसे ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल लें और इसे अच्छे से प्रेस कर लें, देखिए इस तरह। ये देखिए ये कितना खूबसूरत और कितना यमी दिख रहा है। इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसकी कतली काट लें। ये देखिए इस तरह से ये कितना ही यमी दिख रहा है और बहुत ही अच्छा बना है ये। फ्रेंड्स हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।